हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होली के आते घर में तरह तरह के नमकीन और मिठाइयाँ बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए होली स्पेशल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नमक पारे की रेसिपी लेके आ गई हूँ। इस नमक पारे को हम दो तरीके से बनाने वाले हैं। पहला तरीका है काजू नमक पारे, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी और टेस्टी बनेगा। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला कि ये लंबे समय तक क्रिस्प ना रहे, ये लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगा, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और दूसरा, इस डिज़ाइन से हम बनाने वाले हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगने वाला है और बहुत ही ज़्यादा क्विक और परफेक्ट रेसिपी है। इसे बनाकर 2 महीने तक स्टोर करें। तो वीडियो पसंद आने पे आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप के करीब मैदा, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया, और हाथों से क्रश करके अजवाइन ऐड कर दूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स के क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसकी टेंशन आप ना लें। इसको ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड करने वाले हैं, पर यहाँ पे तेल की जगह मैं देसी घी ऐड करने वाली हूँ। तो 2 से 3 टीस्पून के करीब यहाँ पे देसी घी ऐड कर रहे हैं, इससे हमारा जो मठरी है वो बहुत ज़्यादा खस्ता, फ्लेकी और क्रिस्पी बनेगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। तो आपको क्या करना है ना, इस तरीके से हाथों में लेके आपको बाइंड करना है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद थरेली, जब सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं, तो इन्हें हम हाथों से मुट्ठी बना के ऐसे देखेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि आप पहले अच्छी तरीके से आटे में अच्छा टाइम लेके, प्रॉपर टाइम लेके अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर ले। जब ये प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है, तब जाके हमारी मठरी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। ये देखिए बाइंड हो रहा है ना, इसका मतलब कि हमने जितने भी मटेरियल ऐड करे हैं वो सफिशियंट है। तो अब क्या करना है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसका हमें डो लगाना है। ये देखिए इस तरीके से बंधना चाहिए, यही इंडिकेशन है कि हमने जो इंग्रेडिएंट यानी कि जो घी ऐड करा है वो सफिशियंट है कि नहीं। बस अब आपको यहाँ पर डो लगाना है। तो डो लगाने के लिए पानी बहुत कम ऐड करेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, और इसका डो जो है थोड़ा सा स्टिफ ही रहेगा, पर इसको आपको अच्छी तरीके से नीड करके बनाना है, डो तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसका डो स्टिफ ही रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हम अच्छी तरीके से पानी ऐड कर रहे हैं, और इसका मसल मसल के आपको डो लगाना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप डो को जो है ना मसल मसल के लगाएंगे, तो काफ़ी अच्छे से ये लचीला बनेगा। लचीला बनने से क्या होगा, इसके अंदर फ्लेक्स आएंगे, तो हमारा मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेकी बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से इसको नीड कर करके इसका डो लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो है इसको खूब अच्छी तरीके से हम मसलते हुए इसका डो लगा लेंगे। सही से हमने डो लगा लिया है, ये देखिए स्टिफ डो है। अब क्या करेंगे, इसे हमें बेलना है। तो बेलने के लिए क्या करेंगे, चकले को ग्रीस कर लीजिए या मैदे से डस्ट कर लीजिए, ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, और इसे हमें बेलना है। तो इस तरीके से राउंड बेल लेंगे जो हमने डो तैयार किया है, बिल्कुल ऐसा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है, पर इसका थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहने वाला, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने वाला है, आपको थिकनेस इसका मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है मैं इसे बेल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसा। और अब क्या करना है, आपको कोई ढक्कन लेना है, कोई भी कंटेनर का ढक्कन, कोई भी बॉटल वॉटल का ढक्कन, इस तरह का छोटा सा ढक्कन लेना है। और इस तरीके से देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे, एक गोला कट करेंगे, फिर उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए दूसरा गोला कट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे 2 डिज़ाइन बन के तैयार होंगे, मतलब 2 in 1 काम होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ, तो इस तरीके से 2 डिज़ाइन बन जाएगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसा। अब क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से जो है हमने कट कर लिया, तो 2 डिज़ाइन बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम सब में कट लगा लिए, और मैं आपको दिखाऊं। अब क्या करना है ना, हमें ऊपर वाला जो है हम धीरे से ये उठा लेंगे, ये मैदा उठा लेंगे, और ये देखिए हमारे 2 डिज़ाइन कैसे बनेगा। अभी आपको क्या करना है, इन्हें अलग अलग कर देना है। ये देखिए इसे उठाकर इन्हें अलग अलग कर दूंगी, तो ये जो है काजू के शेप में कट के निकल आया, और एक देखिए इस तरीके से जो है थोड़ा सा ओवल शेप में कट गया। तो इस तरीके से 2 डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी और क्विक। बस आपको एक छोटा सा ढक्कन चाहिए, और ये देखिए इस तरीके से जो है हमने सारे कट करके निकाल लिया है। अब तेल को हाई फ्लेम पर उधर मैंने गर्म कर दिया था, और तेल जब हाई फ्लेम पर गर्म हो गया तो फ्लेम को कर दी लो, और लो फ्लेम पर आपको मठरी को फ्राई करना है। आपको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं करना है, बस तेल को आपको हाई फ्लेम पर गर्म करना है। लेकिन मठरियाँ जब आप फ्राई कर रहे हो, यानी कि नमक पारे,
तो उन्हें आपको फ्राई करना है लो फ्लेम पर। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हम तेल को रोटेट करेंगे और अलटते पलटते आपको दोनों साइड से कलर आने तक फ्राई करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि एक साइड से ये ज़्यादा ना सिक जाए, एक साइड से कलर ज़्यादा ना चेंज हो जाए। तो इसीलिए जो है हम इसे अलटते पलटते रहेंगे और जिस कलर का भी आपको पसंद है, मतलब ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा आपको थोड़ा सा रेड पसंद है तो आप उतना भी कर सकते हैं, पर ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, गुलाबी कलर आ चुका है। तो बस इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे बना लेंगे। इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से जो है हमने काजू वाला जो बनाया था उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्राई करने के लिए मैं मठरी को नहीं तेल को हिला रही हूँ, साथ में मठरी यहाँ भी अच्छी तरीके से जो है ओवरऑल दोनों में हीट लग रहा है। तो ये क्या होगा ना, एक साइड से इसका कलर नहीं चेंज होगा, जब आप तेल को रोटेट करेंगे तो एक साइड से ज़्यादा नहीं सिकेगा, प्रॉपर ये दोनों साइड से फ्राई होगा। तो इसलिए तेल को इस तरीके से करिए ताकि दोनों साइड से ये जो है कलर इवनली आए, बेकार ना दिखे। इस तरीके से जो है इसमें भी गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे, बस हो गया, रेडी है ये। और ये देखिए, सुना आपने कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्विक, बहुत ही ज़्यादा इजी और लंबे समय तक टिकने वाला नमकीन है। इसको आप बनाकर एयर टाइट डब्बे में 2 महीने तक रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। और होली में वैसे भी तरह तरह के नमकीन बनते हैं, तो इस नमकीन को बनाइए, 2 वैरायटी एक ही बार में बनकर तैयार हो जाएगा। मेहनत भी कम है, टाइम भी कम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ये देखिए क्रिस्पी बनता है। ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लेकी बना, ये अच्छी तरीके से फूल चुके हैं मटरे। तो बस आप इसे बनाइए, शेयर करिए, और रेसिपीज़ के लिए जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।